लेकिन मैं स्वीकृति नहीं दूंगा, स्वीकृति दे करके मैं उपकार नहीं करूंगा। तुम शिष्य बनना चाहते हैं बनो, इससे कोई मतलब नहीं, अपने हित के लिए बन रहे हो, हित तो यहीं से होना है, इसमें भी कोई शंका नहीं है, लेकिन मैं स्वीकृति नहीं दे सकता। महाराज ऐसा क्यों? इसमें मेरे लिए बहुत बड़ा लाभ है। क्यों? मैं जिम्मेदारी उठाया नहीं, आपके बंधन में पड़ा नहीं, आपको मैंने वचन दिया नहीं, तो सदा मैं निर्विकल्प रहूंगा। वचन देता हूं तो वचन निभाना पड़ेगा, इसलिए वचन नहीं देता, मैं प्रवचन देता। मैं वचन नहीं देता, मैं प्रवचन देता। आपसे राग द्वेष नहीं करता, आपके उपकार के बारे में ही जब मेरे सामने आप रहोगे, स्मृति में भी आओगे, उपकार का ही सोचूंगा। अपकार का कभी सोच नहीं सकता, मेरे लिस्ट में अपकार को सोचने के लिए जगह नहीं है, फुल भरा हुआ है, उपकार ही उपकार भरा हुआ है, अपकार का नाम लिखने के लिए भी उसमें जगह नहीं है, ऐसा लिस्ट है हमारे पास। उपकार 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 उपकार, आप उपकार चाहते हैं तो मना बिल्कुल नहीं है, कभी भी आ जाओ, कभी भी आ जाओ, स्वागत है, मैं आपके प्रति उपकार करूंगा, कभी भी आ जाओ। लेकिन मैं जब निर्विकल्प अवस्था में रहता हूँ, रिस में रहता हूँ, मेरे कार्य में व्यस्त रहता हूँ, डिस्टर्ब मत करना। तुम अपना समय निकाल कर अपने समय के हिसाब से आ जाओ, मैं जब खाली बैठता हूँ वो खाली समय आपका, और मैं मेरे कार्यक्रम में जब व्यस्त रहता हूँ वो हमारा। तो हमारा कार्य कुछ भी चलता रहता हो, उस समय डिस्टर्ब नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो। लेकिन क्यों नहीं करो? मेरा समय खराब होता है, चित्त आकर्षित होता है, आप बुला रहे हैं और हमने हाँ नहीं भरा या आवाज नहीं दिया, तो मुझे विकल्प होगा कि नहीं होगा? ये बार बार बुला रहा है तो कुछ तो कहूँ, ये विकल्प आएगा कि नहीं आएगा? और उस समय मेरी समाधि हो गई तो बोलो, वो संलेखना मरण है या नहीं? वो सविकल्प मरण है क्या? संलेखना मरण है, सविकल्प मरण है। मुनि महाराज सविकल्प मरण करते, वो निर्विकल्प मरण करते हैं। निर्विकल्प दशा में जब उनका मरण होता है तो परम स्वतंत्र दशा के साथ होता है। बंधन में रहने वाले मुनि महाराजों का निर्विकल्प मरण नहीं होता है, समझ रहे? समझ में आ रहा है? ये गहराई है। महाराज आपके बंधन में पड़ नहीं सकते, क्यों नहीं पड़ते? उनको मरण की सिद्धि करना है। कौन सा मरण? यदि सविकल्प मरण ही संलेखना मरण है तो बंधन में मैं बंध सकता हूं, तुम कभी भी मुझे डिस्टर्ब करो कोई बात नहीं, तुरंत आपके लिए द्वार खुल जाएगा, तुरंत आपके लिए द्वार खुल जाएगा। लेकिन मुझे कौन सा मरण करना है, मुझे चिंता है। कौन सा मरण करना है? निर्विकल्प। आप डिस्टर्ब करोगे तो विकल्प आएगा क्या नहीं आएगा? इसलिए थोड़ा सा विवेकशील हो करके विवेक का मार्ग अपनाओ, और गुरुओं को उस समय कभी भी विकल्पित मत करो जब वो खाली नहीं बैठे हों। विकल्प मत करना, वो अपने कार्य में व्यस्त हों, विकल्प नहीं करना, विकल्प नहीं करना, विकल्प नहीं करना, बहुत बड़ा नुकसान है, उनके लिए नुकसान है। नुकसान मत कराना, नुकसान मत कराना, नुकसान मत कराना। करोगे? ले लिया नियम, ले लिया नियम। हाँ, महाराज जब कुछ करते रहते हैं, मग्न हैं, डिस्टर्ब नहीं करना। आप बीच में घुस जाते हैं, मैं लिख रहा हूं तो भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ना,
शांति से आकर के बैठना चाहिए, क्योंकि लिख रहा हूं तो लिखने में कुछ महत्वपूर्ण बात है और वो मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। मेरे लिए स्मृति से ओझल ना हो जाए ऐसे महत्वपूर्ण लिख रहा हूं, चिंतन कर रहा हूं, वो लिखते समय आप महाराज मैं बहुत दूर से आया, वो देखो हमको आप ढूंढते ढूंढते बोलते हुए आ गए, आप तो हमको समय दे, मैं कब आऊं, इतना भी कहना वहां डिस्टर्ब है। लिख रहे हैं तो समझ लेना चाहिए, उनको डिस्टर्ब ना करें, थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, बैठ जाएं शांति से। जब अपने ओर देखे तो महाराज हम आए हैं, आपके ऊपर दृष्टि जाने के बाद निवेदन करना चाहिए। यही मार्ग अच्छा है क्या? नहीं क्या? जब कभी भी डिस्टर्ब करना गुरु को जाकर पाप लगता है क्या? नहीं, उनका मन हट गया और एकाग्र टूट गया तो उनके चिंतन में वो उड़ गया सब। अब पुनः करना पड़ेगा, बेसिक चिंतन पूरा करके अब लिखना पड़ेगा, है सही बता रहा हूं ना? तथ्य है गुरु को तुम जितना शांत रखोगे, निर्विकल्प रखोगे, उतने बड़े तुम पंडित हो, विवेकी हो, जागृत हो और हितैषी हो, एक आदर्श श्रावक हो, एक आदर्श श्राविका हो। गुरु को डिस्टर्ब मत करो, गुरु क्या कर रहे हैं जाओ उनके पास, लेकिन क्या कर रहे हैं इसको देखो, क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो, थोड़ा बैठो, लिख रहे हैं अपनी ओर। जब तक नहीं देखेंगे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे हम। हम अपने काम के लिए आए हैं, जल्दबाजी है हमें, तो डिस्टर्ब करके अपने काम को निकालने का प्रयास आप करेंगे। प्रतीक्षा जरूरी है क्या? नहीं, प्रतीक्षा जरूरी है। ऐसा कुछ आपका व्यवहार, आपका जीवन, हर क्षण किस समय कैसा करे, क्या करे, कैसा रहे, कब बोले कब न बोले, ऐसा सावधान हो गया। आत्मानुशासन इसी का नाम है, इसी का नाम आत्मानुशासन है। ये आत्मानुशासन लागू हो गया, जीने की कला सीख गए, तो गुरु के लिए कितना बड़ा फायदा है उससे, है कि नहीं? बहुत बड़ा फायदा है उससे उनको। और इसीलिए उनकी प्रतीक्षा करो, परंतु डिस्टर्ब मत करो। पहले देखो जाकर क्या चल रहा है। दरवाजा बंद है, पुकारो नहीं, वो किसी साधना में होंगे ये समझो, और डिस्टर्ब हो जाएगा तो मुझे पाप कर्म का बंद होगा, जब खुलेगा बाहर आएंगे मेरा काम बन जाएगा। प्रतीक्षा करना चाहिए कि खटखटाना चाहिए? प्रतीक्षा करना चाहिए कि आवाज देना चाहिए? ये आप इस तरह से रहोगे तो गुरु के लिए बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा, बहुत बड़ा सहयोग। गुरु खुश रहेंगे, अरे शिष्य में इतना सारा विवेक का ज्ञान कब कहां से आ गया ये? मैंने पूछा कब से बैठे हो? महाराज 2 घंटे हो गए प्रतीक्षा करते करते, मैंने डिस्टर्ब आपको नहीं किया। धन्यवाद, तुम्हारे जैसे शिष्य ढूंढने पर भी नहीं मिलते, तुम्हारे जैसे शिष्य ढूंढने पर भी नहीं मिलते, और ऐसे शिष्यों की संख्या मुझे बढ़ाना है, जो ढूंढने पर भी नहीं मिलते उनको ढूंढना है मुझे। और शिष्यत्व तो प्रदान करूंगा, नहीं करूंगा ऐसा नहीं, घबराओ नहीं, शिष्यत्व तो प्रदान करूंगा, पर मेरे अनुशासन में आप रहोगे तो शिष्यत्व तो प्रदान मिलेगा। मेरे से कुछ सीखोगे, जिंदगी जीना सीखोगे,
प्रतिपल मार्गदर्शन देकर अलर्ट होकर आप अपना कल्याण करोगे, ज्ञान लियोगे, अज्ञान को दूर करोगे, विवेकी बनोगे, शिक्षा लियोगे, तो उनके लिए मेरा शिष्यत्व प्रदान है। शिष्यत्व बनने के लिए मना नहीं करता, पर आप जब कभी भी जाओ उनके पास, तो इस बंधन को मैं स्वीकार नहीं करता। मैं जब आऊंगा तब आप मुझे समय दे दो, ये गारंटी नहीं देता, तभी तो निर्विकल्प रहूंगा। और यदि उसी समय मेरा मरण हुआ, सलेखना निर्विकल्प मरण होगा कि सविकल्प मरण होगा, कौन सा मरण होगा? नहीं, जब आपको इस प्रकार सावधान करके, ज्ञानी बना करके हमने शिष्यत्व प्रदान किया, और फिर तो सवाल ही नहीं उठता कि आप जब कभी भी आओगे, है ना? तो उस समय मेरा मरण हुआ, आप आए नहीं और दो घंटे के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, आपको काम निकालना था, शिक्षा लेनी थी गुरु से, मार्गदर्शन लेना था गुरु से, और दो घंटे से बैठे और पुकारा नहीं हमको। हमको पुकारा क्यों नहीं पुकारा? आप विवेकी हैं, आवाज नहीं दी, खटखटाया नहीं, और मेरा मान लो उस समय मरण भी हो गया, वो कौन सा मरण पहचान दो? निर्विकल्प। इसमें सहयोग किसने दिया? बाहर बैठे दो घंटे का मौनधारी शिष्य, मौनधारी शिष्य। तो ऐसे शिष्य मेरे असली शिष्य हुआ करते हैं। ऐसे लोगों को शिष्यत्व प्रदान करने में मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, वो निर्विकल्प, मैं निर्विकल्प। और उनका भी मान लो उनका भी एकाएक कि कुछ हो सकता है कि नहीं? दो घंटे से प्रतीक्षा में थे और गुरु के पास जाना चाहते थे, कुछ शंका समाधान करना चाहते थे, लेकिन गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ और बाहर ही मरण हो गया। अच्छे भावों से मरण कर रहे हैं कि बुरे भावों से? अच्छे से। गुरु की प्रतीक्षा में जो मरण करता है वो श्रावक के लिए सलेखना मरण है। गुरु को जपना और गुरु के वजह से दो घंटे बैठना, एक ही बात है ना? नमोकार मंत्र का जप दे रहा है और मरण हो गया, यही सलेखना मरण उनका है। निर्विकल्प मरण तो गृहस्थ अवस्था में है ही नहीं। आप नमोकार मंत्र का जाप करते करते भी जा रहे हैं तो वो सलेखना मरण आपका है। सिर्फ इतना शर्त है, आपके सलेखना मरण का वियोग कब होता है, आपको अच्छा मरण कब नहीं होता है, ये देख लो। आप विषय कषायों को मांगते मांगते मरण कर गए, उन्हीं का चिंतन में पड़ गए, तो आपके लिए वो डेंजरस है। गुरु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपका मरण हो गया, तो सलेखना मरण समझना चाहिए आपको। या तो शांति मरण समझ लो, सलेखना मरण तो क्योंकि उनको है जो प्रतिमाधारी है। सलेखना मरण किसको है मालूम है ना? क्या जिस किसी को भी है क्या? हर श्रावक को, हर श्राविका को है क्या? सलेखना मरण होता किसको है? जो प्रतिमाधारी है उन्हीं को सलेखना मरण होता है, हर किसी को सलेखना मरण नहीं होता। ये भी तो जैन समाज को पता नहीं है, अज्ञान बहुत है, बहुत अज्ञान है। महाराज के पास आते, महाराज हमारे पास आ जाते, महाराज हम सलेखना, किसका सलेखना? मेरा भी है, हम पूछने आए हैं। और मेरे घर में तो अभी एक सडनली बहुत सीरियस है, और उनको सलेखना के लिए निवेदन कर रहे हैं गुरु से, महाराज चलो ना सलेखना मरण दे दो ना उसको। तो क्या मरते समय हम प्रतिमाधारी बनाए उसको, सलेखना मरण हो जाएगा? क्या पालन करने की योग्यता, पालन करने का ज्ञान, न तो थ्योरेटिकल ज्ञान है न प्रैक्टिकल मालूम है, और उसके लिए प्रतिमाधारी बनाए?
और वो जो संलेखना मरण सिद्ध करेगा, ये संलेखना है, इस मरण कोई खेल नहीं है, ये संलेखना मरण कोई खेल नहीं, ये संलेखना मरण के लिए जिंदगी को सर्कस में ले जाना पड़ता है। संलेखना मरण के लिए सर्कस करो, कैसा जीना पहले इसको सीखो। और ऐसा जो प्रैक्टिस किया है संलेखना मरण के लिए, पूरी जिंदगी लगा दी है, उसका भी कोई भरोसा नहीं रहता कि अंत में संलेखना मरण हो गया नहीं होगा। हाँ, ये पता ही नहीं समाज को, मरा जाओ संलेखना मरण दो। अरे फुकट, इतना संलेखना मरण फुकट है क्या? तुम आ गए और हमने जा करके दे दिया और उसका संलेखना मरण हुआ? अरे जिसको ज्ञान ही नहीं, कभी मंदिर नहीं गया, स्वाध्याय नहीं किया, और किया भी है तो क्रियाकांड में व्यतीत किया, स्वाध्याय किया ही नहीं, उसका क्या संलेखना मरण? प्रतिमाधारी भी बन चुका है तो केवल क्रियाकांड कर रहा है, ज्ञानी नहीं है, तत्व चिंतन नहीं है, न विवेकपूर्ण जीने का कोई कार्य है, उसको द्रव्यलिंग कहते हैं। प्रतिमाधारी बन करके भी ज्ञान को, ज्ञान में तरक्की नहीं किया, अपने आत्मा को विवेकपूर्ण मार्ग पर लगा नहीं पाया, क्या उसका भी संलेखना मरण होगा? संलेखना मरण के साथ तीन शर्तें हैं। संलेखना मरण करना चाहो तो तीन शर्त है, उन तीनों शर्तों में आप बैठते हैं तो संलेखना मरण का सपना देखना। महाराज कौन कौन से वो शर्त? पहली शर्त है स्वाध्यायशील होना, ज्ञानी बनना। तुम ज्ञानी नहीं बनोगे तो अंधकार है, पूरा अंधकार में ही मरण करना पड़ेगा। और फिर बाद, फिर भले ही प्रतिमा लेकर के क्रियाकांड का निर्वाह किया हो नहीं किया हो, अगर स्वाध्याय नहीं किया है, जिनवानी का मर्म को पहचान कर जीवन जिया नहीं, तो संलेखना मरण को तो भूल जाओ। पूरी प्रतिमाधारी बन करके प्रतिमा के साथ भले ही क्रियाकांड करते करते अंतिम समय तक, अंतिम कगार पर पहुंच गए हों, मरण के अंतिम कगार पर,